वॉट अ वेस्ट ऑफ मनी द वाइज मदर सेड। बच्चे की अम्मी ने कहा कि क्यों पैसे ज़ाया किए, दिस इज़ ओनली अ स्पैरोज, ये सिर्फ एक चिड़िया है, अ वेरी कॉमन बर्ड, बहुत ही आम सा परिंदा है, एनी वे यू मे कीप इट फॉर अ डे इन द एम्प्टी केज नियर द विंडो, फिलहाल आप इसको इस खाली पिंजरे में जो कि खिड़की के करीब है उसमें रख दें, एटलीस्ट पॉली विल बी हैप्पी, लेकिन कम से कम पॉली खुश था। कौन पॉली भाई? पॉली वासा लार्ज पैरट, पॉली एक बड़ा तोता है, इन अ बिग कैज, एक बड़े पिंजरे में, द ओनली वर्ड्स शी न्यू वर नाउ लेट अस बी मैन, और वो सिर्फ एक जुमला जो है वो बोलता है क्या कि इंसान बनो, लेट अस बी मैन, इंसान बन जाओ, दिस इज़ शी कीप्ड सेइंग ऑल डे लॉन्ग, और वो जो है सारा दिन ये बोलता रहता था। नेक्स्ट टू पॉली केज वास अनदर बर्ड्स कैज कैनरी, व्हेन शी सॉ हाउ अनहैप्पी द स्पैरो वास, लेकिन जब उसने देखा कि जो स्पैरो है कैज में यानी पिंजरे में वो नाखुश है, सी सैड इन बर्ड लैंग्वेज, तो उसने उसको परिंदों की ज़बान में कहा फ्लाई अवे, उड़ जाओ, क्विक जल्दी से, द बॉय हैज़ फॉरगॉटन, बच्चा भूल गया है, टू लॉक योर कैज, तुम्हारे पिंजरे को लॉक करना, द विंडो इज़ ओपन, खिड़की खुली है, फ्लाई अवे, उड़ जाओ उड़ जाओ, द स्पैरो क्विकली फ्लो आउट एंड वॉस बैक द पुलिस स्टेशन, स्पैरो जल्दी से उड़कर कहाँ पहुँच गई, पुलिस स्टेशन, बट हाउ वॉज द बर्ड टू बिकम मिस्टर अशरफ द पुलिस मैन अगेन, और फिर वो बर्ड दोबारा जो है वो मिस्टर अशरफ जो कि पुलिस मैन है बन गई, देन द स्पैरो रिमेंबर पॉलीज वर्ड्स, फिर जो है स्पैरो को क्यों किस तरह से बनी, क्योंकि उनको पॉली के जो जुमला था वो याद आ गया था, और पॉली अपने पिंजरे में क्या कहता रहता था, लेट अस बी मैन, इंसान बनो, एट ऑल वंस द स्पैरो बिकम मिस्टर अशरफ अगेन, इस तरह मिस्टर अशरफ दोबारा से मिस्टर अशरफ बन गए, सिटिंग इन हिज चेयर एट द पुलिस स्टेशन, और अपनी कुर्सी पर बैठ गए पुलिस स्टेशन में, कैन यू गैस वॉट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, क्या आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, क्या किया होगा बेटा आप लोग बताएं, हाँ सबसे पहले अपने जूते उतारे होंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो उनके जूतों की वजह से हो रहा था, ही क्विकली टूक ऑफ हिज रॉन्ग बूट, उन्होंने जल्दी से वो गलत जूते उतारे, लॉक देम इन अ कबर्ड, उन्हें कबर्ड में यानी अलमारी में रखा, एंड वॉर हिज ओल्ड बूट्स अगेन, और दोबारा से अपने पुराने जूते पहन लिए। अच्छा बेटा इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है, इस स्टोरी से हमें यह सबक मिलता है कि हम जो हमें अल्लाह ने बनाया है ना, अशरफुल मखलूकात बनाए हैं, या जो चीज़ हमें अल्लाह ने दिए है हमें उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है।